थोड़ा पास में आओ, दोनों थोड़ा पास में आओ। अब बोलो अब बोलो कहाँ जा रहे हो? मेला मेला मेला। क्या लोगे मेला में, क्या करोगे मेला में? पास हो, दोनों पास में आओ। हाँ क्या करोगे मेला में? नुआ तुम क्या करोगी? तुम भी जंप करोगी। इधर मेरी तरफ देखो और मेरी तरफ देखो। और क्या करना है, क्या है उधर? सो गाइज फाइनली हम लोग मेला के पहुंच चुके। ये है मेला जो कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। वैसे नॉर्मली इन मेला में भीड़ इतना ज़्यादा नहीं होता था, इस बार पहली बार मैं देख रही हूँ इतना ज़्यादा भीड़। और गर्मी से हालत ख़राब, और पता नहीं आगे क्या होगा वो आप देखो और आपको पता चलेगा आगे क्या क्या हो रहा है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे जाके सबसे पहले मैंने ना एक रिकॉर्ड किया, क्योंकि रिकॉर्ड करना तो बनता है। और यहाँ पे नवाब और नुआ के साथ साथ और भी दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिसका नाम है दीना और अज़द। तो दोनों के साथ नवाब और नुआ भी बहुत खेल रहा था, यहाँ पे हम रिकॉर्ड करा रहे थे। और मेरे साथ मेरी दोस्त गई हुई थी तो मैं उसे दी थी रिकॉर्ड कराने के लिए। और इस बार ऐसा नहीं हो रहा था, जैसे मैं हमेशा कहीं जाती हूँ तो पहले शूट करती हुई करती हूँ, इस बार मेरा थोड़ा मेरा जो है ना वो कम हो चुका है, क्योंकि एक माह से मेरे ब्लॉग्स वीडियोज़ नहीं आ रहे थे। तो वो जो होता है ना जब हम वीडियोज़ रेगुलर शूट करते हैं तो वो एक बना हुआ रहता है कि नहीं करना है करना है। इस बार ऐसा हो रहा था कि ऐसा मैं भूल गई थी। और यहाँ पे हम ना हम ट्रेन में जाने के लिए टिकट कटवाए थे और यहाँ पे ट्रेन पता चला कि ट्रेन का जो वो है वो ख़राब हो गया है। तो हम यहाँ पे नाव पे हम लोग सवारी किए और वो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी, लास्ट टाइम पे मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग निकले और नवाब और नुआ को इन गाड़ियों में बैठाया, क्योंकि बच्चों के लिए ही मेला आए हैं, तो खैर इनका तो वो कराना ही है। और गर्मी से सबका हालत बहुत ख़राब था और इस टाइम तक जो है भीड़ थोड़ा सा कम हो चुका था। और यहाँ पे ये दोनों बहुत चारों बहुत मस्ती किए, मज़े किए। और जो है यहाँ पे नुहा और नवाब को भी देखो, इन लोगों को मैं हाई बोलवाने का इतना कोशिश कर रही थी बट दोनों ही मेरी तरफ नहीं देख रहा था। और यहाँ पे और भी सब बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, सबको खुश, सारे बच्चे खुश। और फिर नुहा जो है यहाँ पे उतरना नहीं चाह रही थी, फिर मैंने उतारा इसको। उसके बाद फिर हम गए यहाँ पे, जो है नवाब पहले से ही कह रहा था कि इस पर उसको चढ़ना है और उसको डांस करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब तुमको करना है तो करो। फिर ये चारों बच्चों इस पर चढ़े और फिर यहाँ पे जो है डांस कर रहा है, यहाँ पे नवाब भी डांस कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ था, यहाँ पे गाना जो था मौजूद नहीं था, तो बिना साउंड का ऐसे थोड़ा बहुत डांस कर रहा था। बीच में से एक आवाज़ आई थी देंगे देंगे करके, तो उस पर नवाब को बहुत जोश आ रहा था कि अब ठीक है गाना बज रहा है तो हो जाएगा। बट अगर नॉर्मली और भी कुछ गाना यहाँ पे बजता तो इसका और भी कुछ अलग ही धुन होता, तो खैर फिर भी ठीक है। और यहाँ पे ये लोग बहुत खेल रहे हैं, नुहा भी इसके साथ मज़े कर रही है। पूरा एक मिनट का वीडियो बनता है, इसके लिए शायद 50 रुपीज़ या पता नहीं कितना चार्ज करता है, नहीं मालूम मुझे यहाँ पे, क्योंकि ये लोग बच्चे थे और नॉर्मली लोगों का शायद 50 रुपीज़ चार्ज करता है। तो यहाँ पे बच्चे वैसे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। फिर उसके बाद बारी आई दुकानों को देखने की, तो फिर हम चले दुकान देखने के लिए, क्या क्या दुकान लगे। तो यहाँ पे नवाब और नुआ को पता नहीं क्या दिखा, इन दोनों ने अपना ज़िद करना स्टार्ट कर दिया। और मैं थी कि क्या कहूँ, पैसे ज़्यादा लेके नहीं गई थी और फ़ोन पे वहाँ पे मेरा काम नहीं कर रहा था। और फिर नवाब और नुआ को कुछ चाहिए था, मैं दिला नहीं पाई सही से। खैर कोई बात नहीं, फिर मैं इन दोनों को फिर कभी लेके जाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि घर के पास में ही है तो जा ही सकते हैं दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक बोर्ड दिलाया, दो बोर्ड दिलाया दोनों को। और जो है नवाब दोनों वहाँ पे फिर लड़ाई शुरू हो गया था यहाँ पे, क्योंकि दोनों को जो है उसी टाइम खेलना था। उसके बाद नवाब यहाँ पे ना वो जो है क्या बोलते हैं उसको, बबल्स के लिए रो रहा था। तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे तो मैं दिलाऊँ, फिर मेरी फ्रेंड उसको दिलाया जो है वो बबल्स। अरे भाई ये बीच में गाड़ी कहाँ से आ गया फिर से, कोई बात नहीं, मेरी एडिटिंग थोड़ी सी हो जाती है ऊपर नीचे। खैर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।